अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक मैथ का चैलेंज लेके आया हूँ और देखते हैं आप कितने जीनियस हैं। चैलेंज ये है कि आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो किया गया है, सॉल्व इसको हमने हल करना है। तो रेडिकल साइन जो है इसके अंदर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, तो इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी सॉल्व का मतलब क्या है कि आपने एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो चैलेंज ये है कि ये फाइंड आपने नहीं करनी, ये मैं करूँगा और आपने तमाम जो इसके स्टेप्स है उसको गौर से देखना है और एट द एंड आपने बताना है कि मैंने ये क्वेश्चन ठीक किया है या गलत है, यानी राइट है या रॉन्ग है। तो आपने मुझे बताना है कि मैंने इस क्वेश्चन को ठीक किया या गलत किया है। तो देखते हैं आप कितने जीनियस हैं। चलें जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन जिसमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो उसमें स्केयर ले लिया जाता है ताकि इसका स्केयर रूट जो है वो कैंसिल किया जा सके। अब हम टेकिंग स्केयर रूट ऑन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो चूँकि स्केयर रूट को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्केयर ले लेंगे। तो ये सिंपल इस वे से आप इसको हल करेंगे। अब इसका स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस फाइव और माइनस फाइव का जो स्केयर है, फाइव का स्केयर जो है वो 25, और अगर पावर इवन हो तो नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा, तो ये 25 पॉजिटिव आएगा। तो यानी ये नेगेटिव साइन के साथ अगर पावर इवन हो तो फिर हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, तो ये 25 आएगा। चलें जी, अब हम अगला स्टेप करते हैं। ये जो एक्स है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा, माइनस फाइव। एक्स की वैल्यू निकल आई हमारे पास 25 माइनस फाइव 20, तो ये एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी है। तो अब आपने बताना है कि ये क्वेश्चन मैंने ठीक किया है या गलत। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, तो ज़रा गौर से सोचें और बताएं कि ठीक है या गलत। चलें, आधी हेल्प मैं आपकी कर देता हूं। तो जो मैंने ये क्वेश्चन किया है तो बेसिकली ये रॉन्ग है, ये मैंने गलत किया है। इतना मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। चलें जी, अब आधा जवाब तो मैंने आपको बता दिया, तो फिर आपने क्या करना है, आपने बताना है वेयर इज़ माई मिस्टेक, कि मैंने कहाँ गलती की है। ऊपर सारे स्टेप्स को गौर से देखें और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि मैंने कहाँ गलती की है, तो एक्चुअली सवाल में गलत है क्या, ये आपने बताना है। तो बेसिकली ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक बेसिक नॉलेज आपको मैंने देना है, लेकिन आपके थ्रू ही। तो पहले तो आप सारे स्टूडेंट जो है वो ट्राई करें और सोचें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करें कि इसका जवाब क्या है। तो अगर तो आप ही ने जवाब दे दिया तो ठीक है, वरना मैं फिर इसको अलग से एक वीडियो बना के इसका प्रॉपर बताऊँगा कि इसमें क्या गलती थी और इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना होता है। तो इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो खुद ऑटोमेटिकली मिल सके। तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।